बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए रास रचाए साथ तुम्हारे झूम झूम दिल ये गाए हो झूम। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली है 7 नवंबर 2023। आज की मुरली के सार में बाबा ने विशेष पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि बच्चे पढ़ाई में बहुत सावधानी रखना है, पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, देह अभिमान में आकर कभी यह नहीं समझना कि हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है, परंतु शिव बाबा से कनेक्शन व शिव बाबा का ज्ञान सुनेंगे तो ब्रह्मा मुख द्वारा ना। फिर भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है, उसको सिद्ध करते हुए आज बाबा ने कहा क्योंकि भारत ही स्वयं परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता में चैतन्य देवी देवताएं रहते थे, उस भारत को शिवालय कहा जाता है। और जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो देवी देवताओं की जड़ मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं और पूरे भारत में अनेका अनेक शिवालय बनाते हैं। तो इस प्रकार से सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक भारत को अविनाशी तीर्थ कहा जाता है। फिर कहा कि विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी है। बाप है सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, यह वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी अक्षर शिव बाबा की महिमा में जरूर लिखना है। फिर बाबा ने गुह्य बात समझाते हुए कहा कि वर्ल्ड का न्यू मैन किसको कहेंगे, श्री कृष्ण को कहेंगे, ब्रह्मा को कहेंगे व लक्ष्मी नारायण को कहेंगे, यह बड़ी समझने की बातें हैं। फिर कहा कि बाप समझाते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री शिव बाबा के दिल पर चढ़ना भी असंभव है। जब दिल पर चढ़े तब सतयुगी तखत पर भी बैठे। और साथ में कहा बाप समान निरअहंकारी रहम दिल भी बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, यह कहना भी देह अभिमान है। आज बाबा ने मुरली से प्रश्न पूछा भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे। उत्तर में बाबा ने कहा भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है, इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता में चैतन्य देवी देवताएं राज्य करते हैं, उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते, शिवालय भी अनेक प्रकार के बनाते, तो उस समय भी तीर्थ है, इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। आज मुरली में गीत बजा रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है, बाप समान निरअहंकारी बनना है। दूसरा, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया समेटने की शक्ति द्वारा, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा सेकंड में फुल स्टॉप, और कुछ भी याद न आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं, सेकंड में मेरा बाबा दूसरा ना कोई। यह सोचने में भी समय लगता है लेकिन टिक जाए, हिले नहीं, क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट ले, ब्रेक पावरफुल हो। आज बाबा ने नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने का अभ्यास बताया कि एक सेकंड में मैं और मेरा बाबा बस उसमें टिक जाए, किसी के भी प्रति कोई संकल्प न चले, तब बाबा कहते हैं उसको कहेंगे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। उसके लिए बाबा कहते हैं समेटने की शक्ति और संकल्पों की ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। आज का स्लोगन है
जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वह सदा निर्माण है, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वह सदा निर्माण है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।